नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में गुरुवार 7 जनवरी से खेला जाएगा। एक और एक से बराबरी पर खड़ी इस सीरीज के तीसरे मैच में दोनों टीमों को बदलाव करने होंगे। इस बात के संकेत भारतीय टीम से भी मिल गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम से भी, क्योंकि भारतीय टीम ने रोहित शर्मा का उपकप्तान बनाया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कोच ने बताया कि डेविड वार्नर फिट हो गए हैं। भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में कम से कम दो बदलाव के साथ उतर सकती है। रोहित शर्मा को फॉर्म से बाहर चल रहे मयंक अग्रवाल की जगह पारी की शुरुआत करते हुए देखा जा सकता है, जबकि चोटिल उमेश यादव के स्थान पर टी नटराजन या नवदीप सैनी में से किसी एक गेंदबाज को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। हालांकि इसमें बाजी टी नटराजन मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वनडे और टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है और इससे पहले आईपीएल 2020 में भी वे यॉर्कर किंग बने। उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो विल पुकोवस्की और डेविड वार्नर को प्लेइंग 11 में बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल किया जा सकता है। वहीं ट्रेविस हेड और जो बॉन्स को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम गेंदबाज विभाग में कोई बदलाव नहीं करना पसंद करेगी, क्योंकि सभी गेंदबाज लय में हैं और टीम के लिए विकेट निकालने में भी सफल हो रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।